तो अनिमेश आ गए हैं सुबह 5 बजे और ये सब एयरपोर्ट से शायद खरीद के लाए मिठाई बच्चों के लिए। और इधर है वो सारा सामान जो मैंने मंगाया, दिखाऊंगी आपको बाद में। सो गाइस, अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 और नवनिया खा रहे हैं डोसा और सांभर। आ जाइए, इनका ब्रेकफास्ट भी है, लंच भी है, ब्रंच कर रहे हैं ये लोग। और अनिमेश कॉल पे हैं, बात कर रहे हैं हॉस्पिटल में। मेरा इंश्योरेंस अप्रूवल अभी तक नहीं आया एंडोस्कोपी का, इतनी सारी चीज़ें पेंडिंग है ना। द नेक्स्ट डे, गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम मंडे, बच्चे गए स्कूल और हम आए हैं इस हॉस्पिटल, क्योंकि आज हमें दूसरे हॉस्पिटल में दिखाना था। दर्द मेरा कम नहीं हो रहा था, मैंने सोचा दूसरे डॉक्टर से एक बार दिखा के देखते हैं दूसरे हॉस्पिटल में। अब हम लोग दवा के लिए बैठे हुए हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, तो दिखा लिया हमने डॉक्टर से, नए हॉस्पिटल और नए डॉक्टर से। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दिया है और बोला है इसका तो कुछ इलाज है नहीं, बस एज अभी कम है, तो अब कार्टिलेज कैसे डैमेज हो गया पता नहीं, कुछ होता है पैर की बनावट की वजह से या कुछ ऐसे हो जाता है, और उसकी वजह से ना वो फ्लूइड भी है नी में। तो मेडिसिन चलेगा, मतलब पेन किलर और ऑइंटमेंट वगैरह लगाना है, बाकी कोई इलाज तो है नहीं इसका। टाइम के साथ ठीक हुआ तो ठीक है, नहीं तो इसका एक ही है, बहुत एज ज़्यादा जब हो जाता बहुत ज़्यादा, तब जाके नी रिप्लेसमेंट वगैरह होता। अभी तो ऐसा एज है नहीं, तो कैसे हुआ क्या हुआ अब इतना नहीं पता, बट हो गया तो बट ठीक है। एक्सरसाइज वगैरह करना है, फिजियोथेरेपी करना है, ये चीज़ है, और कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो सुबह के 11 बज गए और हमने अभी तक एक कप चाय भी नहीं पिया, कुछ भी नहीं खाया पिया, बस हॉस्पिटल का ही चक्कर। यहीं आना था, पहली बार आए हैं इस हॉस्पिटल में, इसलिए हमने सोचा कि जल्दी से जाते हैं। मतलब सुबह ही 9 बजे का अपॉइंटमेंट था, टाइम भी लग गया काफ़ी, अप्रूवल वगैरह में कुछ मेडिसिन अप्रूव भी नहीं हुई है, तो खुद से लिया क्योंकि लेना ज़रूरी था। तो बस अभी हम लोग यहीं बाहर में ही ब्रेकफास्ट कर लेंगे। हम आ गए मीना बाज़ार, वहीं से भूख भी लगी थी, तो मसाला डोसा और चाय ले लेंगे, खाएंगे, कुछ कुछ काम है वो भी कर लेंगे फिर। अनिमेश का पार्क कर लें। आ गया हमारा डोसा, अभी चाय आएगी। गाइस ये देखिए, मैं श्वेता को रेड कार्पेट वाले शॉप में लेकर आया, बिछवा दिया था मैंने रेड कार्पेट यहाँ पे। कुछ भी, हम लोग मीना बाजार में घूम रहे हैं। घूमते घूमते हम लोग आ गए फिर कपड़े की शॉप पे और देख रहे हैं थोड़ा नवरात्रि के लिए कुछ अच्छे अच्छे कलेक्शन है तो भी। सो गाइज, यही वो गली है जहाँ पे इतने सारे कपड़े के शॉप्स हैं, आप लोग पूछते रहते हो, किसी में भी चले जाओ इसी सब रेट में मिलता है ऐसे ही, तो किसी में भी रैंडमली मैं चली जाती हूँ। ये यहाँ पे एक ज्वेलरी की शॉप है, पीके ज्वेलरी, उसके बगल से कोई भी शॉप में जाओ। आया था हॉस्पिटल 9 बजे और अभी 1:15 हो रहे हैं, हम लोग मार्केट में ही रह गए, लड़ने गए। हमने सोचा मीना बाज़ार जाते हैं, कुछ कुछ काम था वो कर लेते हैं, तो हो गया, कुछ चीज़ें भी ले ली, डोसा वगैरह भी खा लिया, तो बस अब जा रहे हैं घर। और इंडिया से भी कुछ कुछ चीज़ें मंगाई है, वो आपको दिखाती हूँ। बाकी क्या लिया है वो कपड़े में दिखा दूँगी, जो मैंने एक ही ड्रेस ली है मैं आपको दिखा दूँगी, और कुछ लिया वो मैं आपको बात करूँगी। तो गाइस घर आए हुए हमें, बहुत टाइम हो गया, फिर नवनी आए स्कूल से, फिर उनका भाई खाना पीना यही सब चल रहा था, तो मैं आपसे बात नहीं कर पाई। और पता है क्या, अभी मेरा टाइम भी बहुत ख़राब चल रहा है, एक तो मेरी नी में ऐसे ही इतना दर्द था, और आज मुझे दो दो बार, मतलब एक बार तो चोट लगते लगते बची, एक बार तो इतनी ज़ोर से चोट लगी हॉस्पिटल में, वो भी नी पे, कि मैं आपको क्या बताऊं। जबकि बहुत टाइम से मुझे नी पे चोट या ऐसे बॉडी में चोट नहीं लग रहा था, वैसे तो डॉक्टर ने बोला है कि कार्टिलेज डैमेज हो गया है, वो नी में चोट लगने की वजह से भी हो सकता है, या फिर जो लेग की अलाइनमेंट है वो सही ना हो, या कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो चीज़ है, लगी होगी चोट मुझे नहीं पता, बट इतनी जोर से लगी नहीं थी, मुझे याद नहीं, आज तो मुझे एकदम कहते ना दिमाग में रह जाएगा वैसा वाला चोट हॉस्पिटल में लगा, बहुत जोर से, तो उसी जगह पे लगा जहाँ पे नी में दर्द थी। तो वही कह रही हूँ, मेरा टाइम बहुत ख़राब चल रहा है, पता नहीं क्या है, किसकी बुरी नज़र लगी, क्या लगा, कैसा टाइम चल रहा है मालूम नहीं, तो नी में चोट लग गई है और तब से दर्द कर रहा है।
ये कुछ कुछ चीजें हैं जो मैंने मंगाई है इंडिया से। एक्चुअली अनिमेश गए थे ना अभी इंडिया, तो वो हमारे होम टाउन नहीं गए थे, वो एक्चुअली बिजनेस मीटिंग के लिए गए थे, तो दो तीन अलग अलग जगह पे गए थे, जैसे एक रात के लिए मुंबई, एक रात के लिए दिल्ली, कोयम्बटूर, लखनऊ, ये सब अलग अलग जगह पे गए थे। तो हमारे एक रिलेटिव के घर पे मैंने वो ऑर्डर कर दिया था कुछ कुछ चीजें, तो भैया ने लेके अनिमेश के पास होटल में पहुंचा दिया। मैं इतना सारा सामान मंगाना तो अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जो जरूरी चीजें थी, वैसे तो मंगाना मुझे और सारा सामान था बट नहीं पॉसिबल था, बट पूजा से रिलेटेड जो चीजें थी वो सोचा मैं मंगा लेती हूँ, तो अनिमेश जा रहे हैं तो लेके आ जाएंगे, तो जो जैसे चीजें हाथ में आएगी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो एक एक्चुअली कुछ कुछ चीजें मुझे कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि इतनी जल्दी डिलीवर नहीं होता, तो क्या कर सकते हैं। दो मैंने ये मंगाया है, ये चैनल, और ये बहुत सुंदर है, पास से आप देखोगे ये। तो अभी फेस्टिवल्स वगैरह आ रहे हैं, तो एक्चुअली दो नहीं, मतलब ये दो का सेट है और दो और मंगाया, तो टोटल चार है। तो ये और ऐसा ही मैंने बहुत सुंदर सा एक ऑर्डर किया था, तो वो मुझे कैंसिल करना पड़ा। और एक्चुअली मेरे घर पे फाउंटेन है बहुत टाइम से है, तो उसका क्रिस्टल ना अभी तक नहीं टूटा इतने टाइम से, बट एक दिन ना पता नहीं साफ सफाई में गिर गया कि क्या, टूट गया। तो मैंने सोचा कि मैं ऑर्डर कर देती हूँ, इंडिया अनिमेश तो जाए, मैंने कार्ट में बहुत पहले से रखा हुआ था जब टूटा था, अनिमेश जब जाने वाला था तो मैंने ऑर्डर कर दिया, दो के सेट का था, एक है इस बॉक्स में, तो ये मैंने ऑर्डर कर दिया। और किटी पार्टी के दिन वो फाउंटेन चल रहा था और वो पता नहीं कैसे जल गया, उसी दिन धुआं निकलने लगा उसमें से, वो जल गया, तो फिर अभी इसको मंगा के क्या फायदा, मैंने मंगा लिया इसको, लेकिन फाउंटेन ही खराब हो गया। एक मैंने ये मंगाया है, ये नव दुर्गा सेट है, एक्चुअली दुर्गा पूजा आ रही है जैसे आपको पता, और मैं नवरात्रि करती हूँ, तो ये नव दुर्गा का ये MDF का बना हुआ ऐसा सेट आता है, मैंने किसी कारण से ये मंगाया है, और इसके पीछे में स्टैंड लगाने के लिए भी है, और इसके साथ एक ये फ्री गिफ्ट है, ये देखिए श्री राधा लिखा हुआ, तो ये मंगाया है। और मैंने एक ये लाइट मंगाई है, ये कुछ इस टाइप की है, क्योंकि फेस्टिवल्स वगैरह आ रहे हैं तो ऐसे फ्लावर वाली लाइट है ये। इन सबको भी चेक नहीं किया है मैंने, अभी जस्ट आपको दिखा रही हूँ तो ये खोल रही हूँ, कुछ कुछ चीजें तो ऐसे ही पैकेट में ही है, कुछ कुछ चीजें खोली थी। तो ये हो गया, ये शुभ लाभ मंगाया है, वैसे तो फेस्टिवल के टाइम में यहाँ भी अब काफी एग्जीबिशन वगैरह लगती है, दो साल पहले मैंने शेयर भी किया था, दो साल पहले तक तो लोगों को इतना पता भी नहीं था, फिर मैंने दो तीन एग्जीबिशन में जाना शुरू किया, तो फिर धीरे धीरे सब मतलब और लोगों को भी फिर मैंने देखा जाते हुए, तो एग्जीबिशन वगैरह काफी लगती है, अभी से शुरू भी हो गया है, कल सैटरडे को भी एक था बट मैं नहीं जा पाई क्योंकि अनिमेश नहीं थे। तो ये शुभ लाभ मंगाया है, तो वही तो जो एग्जीबिशन वगैरह लगती है ना फेस्टिवल वाली, उसमें मिल जाती है काफ़ी चीज़ें, बट वही है कि अब दुबई में ले रहे तो थोड़ी एक्सपेंसिव होगी, थोड़ी नहीं एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव रहती है, जब एकदम लास्ट टाइम आता है जब फेस्टिवल बिल्कुल करीब होती है और नहीं बिकता है तब वो फिर दे देते हैं कम में, बट ऐसे आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा प्राइस रहता है। तो ये शुभ लाभ मंगाया है, और भगवान जी के बाल मंगाए हैं, वैसे मैं लेके भी आई थी और मैंने मंगाया भी है, ये सारी चीजें है ना वो फिर मुझे मिलती नहीं है यहाँ पे, कपड़े तो फिर भी मैंने देखे हैं बट ऐसे बाल मिलते नहीं है, तो फिर मैंने बाल मंगवा लिया। कपड़े वैसे बहुत लोग बेचते हैं भगवान जी के इंस्टाग्राम पे पेज पे मैंने देखा है, बट ऐसे शॉप में मैंने मधुर में इतना साइज ज्यादा नहीं देखा, मतलब साइज बड़े साइज का नहीं देखा, 4 इंच 6 इंच ऐसे देखा है कपड़े, बड़े बड़े साइज के नहीं देखे हैं, इसीलिए यहाँ शॉप में तो नहीं मिलता, ऑनलाइन बहुत सारे पेजेस है जो बेचते हैं बट दाम ज्यादा रहता है। ये कैसे इस टाइप का दुपट्टा मंगाया है, जो आर्ट सिल का दुपट्टा होता है ना वो, तो ये पूजा में ही यूज करने के लिए, जैसे टेबल वगैरह पे डालते हैं तो उसके लिए या बैकड्रॉप के लिए यूज कर सकते हैं, तो इसलिए 2.5 मीटर का ये दुपट्टा है, इस कलर का ही मुझे चाहिए था, मतलब जो जो कलर मुझे चाहिए था मैंने ऑर्डर कर दिया था, तो एक ऐसा इस कलर का चाहिए था। एक ये मंगाया है,
ये सब पूजा के लिए ही मंगाया है, मतलब अपने लिए मैंने नहीं मंगाया है। तो इसलिए ये भी कुछ इस टाइप का है, तो पहले तो मैं जब भी जाती थी साड़ियां ले आती थी, तो बट साड़ियों में क्या होता है ना कि उसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है, तो आधा से ज्यादा पार्ट तो बर्बाद ही होता है। बट दुपट्टा में क्या है कि आप मतलब जैसा चाहो वैसा ले भी सकते हो, और मतलब छोटे लेंथ में मिल जाती है। तो ये एक ये दुपट्टा मंगाया है, तो ये मैंने खुद के यूज के लिए मंगाया है, रेड कलर का ऐसे बांधने वाला दुपट्टा, ये मुझे बहुत पसंद है ऐसा दुपट्टा इस प्रिंट का, तो ये मैंने खुद के ओढ़ने के लिए मंगाया है। ये हो गया, और ये ड्रेस मैं आज जो गई थी तो मैं लेके आई हूँ, ये है वो ड्रेस, ये ऊपर का है और नीचे ऐसे लगी हुई है, ये नवरात्रि वगैरह में यूज करने के लिए, जब पहनूंगी तो आपको पता चलेगा। और इसके ऊपर पहनने के लिए जैकेट है, ड्रेस है, तो ये पूरा वही नवरात्रि वाला पल्लू का आएगा थोड़ा उस तरह का, और कपड़ा भी थोड़ा इसका डिफरेंट है, बट यही है कि इसकी जो लाइनिंग लगी है ना नीचे से वो हाफ है, तो पैर थोड़ा दिखता है, तो इस पर आपको लेगिंग्स पहनना पड़ेगा। बट ठीक है, थोड़ा फेस्टिवल वाली लुक आ रही है, और इसमें तीन कलर था, येलो और पिंक, पिंक तो फिर मैंने लिया ही है इससे पहले, और एक ब्लू फिरोजी कलर का, तो मुझे पीला ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, तो बस येलो ले लिया। और कुछ लोग पूछते हैं कि शॉप में जाते हो, तो देखो वहां पे बहुत सारे शॉप्स हैं, और इतने कपड़े टांगे रहते हैं ना सामने में कि शॉप का नाम भी नहीं ढंग से दिखता, तो जो मैंने आपको गले दिखाया था तो उसी में आप जाओगे आपको बहुत सारे शॉप्स मिलेंगे, जिसमें आपको बाहर भी लगे हुए दिखेंगे 50 दिराम 25 दिराम ऐसे ऑफर वाले, तो आप किसी में भी जाके रैंडमली ट्राई कर सकते हो। मैं तो वही करती हूँ, किसी एक में चले जाओ जो आपको पसंद आ जाए ले लो वो चीज़ है। और एक ये दुपट्टा मंगाया है, ये भी पूजा के लिए ही मंगाया है, क्योंकि अभी दिवाली दुर्गा पूजा सब आ रही है, तो टेबल पे रखने के लिए कुछ एक कपड़ा तो मतलब अच्छा सा होना चाहिए मेरी पूजा में ही यूज करने के लिए, बट इसकी चौड़ाई थोड़ी कम है, ये वेलवेट की है रेड कलर की, ये देखो, बट चौड़ाई कम है इसकी, बट ये पूजा के लिए बहुत सही है, बिल्कुल उसी टाइप की लग रही है जैसे पूजा वगैरह भी यूज करते हैं। ये हो गया, तो ये मंगाया है आर्टिफिशियल फ्लावर्स, ये ऐसे लंबे लंबे ऐसे व्हाइट और पिंक में, तो यही सब अगर यहाँ भी मिलते हैं, उस दिन मैंने मंदिर के पास जब मैं गई थी एक लड़ी वो 35 दिरहम्स में दे रहे थे, और इतने में आप इंडिया से लोगे तो 5-5, 6-6 आ जाएंगे, तो वो चीज है। तो ये मंगाया 5 का, और उसी तरह से ये भी मंगाया, ये भी वही लंबे वाले ही है, बस यही सारी शॉपिंग हुई है इंडिया से, क्योंकि किसी और के घर पे मंगाना था तो इतना अच्छा नहीं लग रहा था, बट ठीक है, तो भैया ने भी पहुंचा दिया निमेश के पास, आ गई चीजें टाइम पे, डिलीवर हो गई वही है। फेस्टिवल्स वगैरह की तैयारी अब शुरू होगी, पहले की तरह स्टेमिना तो नहीं है, और थोड़ा जब तबीयत का सुनती हूँ, जब डॉक्टर ऐसी ऐसी चीजें बोल देते हैं तो और ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है कि अब क्या करूं। जब डॉक्टर ने बोला कि इसका तो कोई इलाज ही नहीं है पैर का, या तो कुछ इलाज ही नहीं है, वहां पे फिर बोला था 3 ऑप्शन है, यहाँ पे डॉक्टर ने बोला कोई इलाज नहीं है ऐसे, बाद में एक टाइम के बाद जब बहुत एज हो जाएगा तब हम जाके सोच सकते हैं नी रिप्लेसमेंट का, अगर ये बहुत ज्यादा हो गया, अभी आपका एज कम है तो हो सकता है रिकवर हो जाए, बट चांसेस नहीं होते, कार्टिलेज एक बार डैमेज होता है चांसेस नहीं, उसको एक लेवल तक ला के कोशिश किया जा सकता है कि लाइफ मतलब नॉर्मल रहे, बट फिजियोथेरेपी कर सकते हो आप, बाकी सारी दवा वगैरह चलेगी, तो सुन के थोड़ा वो लगता है कि अब क्या करूं, बट ठीक है ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो देखते हैं, जहाँ पे दवाई काम नहीं आती वहाँ पे दुआएं काम आती है, बहुत बहुत मिरेकल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो समझ के बाहर होती, तो मुझे उम्मीद है कुछ ऐसा होगा। बाकी रहा गॉल ब्लैडर का, तो वो मेरा अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है,
एंडोस्कोपी, तो वो भी देखते हैं क्या करेंगे कैसे करें। और बस अभी हमारे घर पे एक दो दिन में गेस्ट आ जाएंगे, तो वो सारी तैयारियां भी कर रही है, देखते हैं आगे क्या कैसे होता है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।